अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इस्लामाबाद एयरपोर्ट और यहाँ से अब जद्दा और वाया जद्दा इंशाल्लाह ताला करनो आता। तो आज की मेरी फ़्लाइट थी तो इमिग्रेशन क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जर्नल से 3-4 क्वेश्चन किए उन्होंने उनका, बस उसके बाद वहाँ से जो है ना ईज़िली क्लियर हो के निकल गया हूँ। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी प्रोसीजर में प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ स्कैनिंग थोड़ी जो है ना वो स्टिक थी, तो बाकी ऑल ओके था। ये भी मैं जा रहा हूँ वेटिंग हॉल की साइड पे, जहाँ से मैंने अपनी फ़्लाइट लेनी है और इंशाल्लाह ताला फिर जद्दा पहुँच के जद्दा में आपके लिए कुछ कंटेंट देखता हूँ बनाने का। ये है जी कतर एयरलाइन की ब्ला खड़ी हुई, इसके अलावा यहाँ पे एमरेट्स है और भी काफ़ी सारी हैं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया इन्होंने और काफ़ी रिलैक्स है, और यहाँ पर मॉल भी अच्छा है, काफ़ी रिलैक्स माहौल है यहाँ पे। अच्छा तो ये है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की रनवे साइड, ये आप देखें इसकी रनवे साइड है बैक एंड पे, और जिस जगह पे भी मैं मौजूद हूँ ये इनका स्मोकिंग टेरेस है, स्मोकिंग एरिया है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अच्छा मेरी जो फ़्लाइट है उसके लिए जो जहाज़ है वो आ चुका है और मैं अपने लाउंज में आ गया हूँ इस वक्त। यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं गेट ओपन होने का ताकि जाएं और बैठें। तो आपको दिखाते हैं जहाज़ भी, ये है जी सऊदी एयरलाइंस का जो है ना ये जहाज़ है, इसके ऊपर मेरी फ्लाई है आज की, और इसके अलावा पी आई ए अब जा रहा है या आ रहा है देखते हैं। एयर अरेबिया यहाँ पे है, ब्लू एयर ब्लू लैंडिंग कर रहा है इस वक्त। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी मेरी माएँ हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो लोग हज के लिए सॉरी उम्रे के लिए जा रहे हैं, आराम बांधे हुए हैं, अल्लाह पाक इनका उम्रा कबूल फरमाए और इन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और ये लोग जिस मकसद के लिए जा रहे हैं अल्लाह पाक इनकी हाजतें और दुआएं कबूल फरमाएं। तो अच्छा आप लोगों को शुक्र दिखाते हैं, अभी जिस तरह पीर विदाई अड्डे पे आवाज़ें लग रही होती हैं ना, इसी तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी आवाज़ें लग रही हैं। ये जी फिर विदाई अड्डे पे आवाज़ लग रही है एयर अरेबिया की, आप भी देखें और इन्जॉय करें। सऊदी एयरलाइन में लगेज लोड हो रहा है, इसके बाद पैसेंजर्स जो है ना वो जाएंगे, और यही एयरलाइन है जिसके थ्रू मैं भी इंडोनेशिया के लिए सफ़र कर रहा हूँ। रनवे है एयर अरेबिया जिसकी कंडक्टर एयरपोर्ट पे आवाज़ें दे रही थी, एयर एशिया जो एयर अरेबिया सॉरी वो फ्लाई के लिए रेडी है। और फाइनली जो है फ्लाइट की तरफ निकल गए हैं जी, अभी जाते हैं बैठते हैं और इंशाल्लाह जद्दा पहुंच के फिर जद्दा एयरपोर्ट की भी कुछ वीडियो क्लिप बनाते हैं और कोशिश करते हैं आप लोगों को दिखाएं अपना सफ़र जितना ज़्यादा हो सके। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, इसका रनवे है। फाइनली जद्दा एयरपोर्ट, और काफ़ी खूबसूरत लाउंज है इनका, बहुत ही आउट क्लास, और यहाँ से अब कनेक्टिंग फ़्लाइट है। 2 घंटे वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, और चलें 2 घंटे में यहाँ पे देखते हैं जद्दा एयरपोर्ट को कि कैसा है, इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं।
वेलकम टू स्कर्नो आता, और ये स्कर्नो आता पहुंच चुके हैं जी। जा रहे हैं अब इमिग्रेशन की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ शुगल होता है, कुछ जो है ना इंग्लिश मार के शुगल बोलते हैं, इंडोनेशियन बाद में मारेंगे और फिर बाहर चले जाएंगे। इमिग्रेशन काउंटर इजली क्लियर हो गया, ना कोई सवाल हुआ ना कुछ हुआ, जस्ट वहाँ पे इजली जो है ना इमिग्रेशन स्टैंप लग गई है उस पर। अभी मैं जा रहा हूँ बैगेज वाली साइड पे, तो बैगेज अपना लेते हैं। वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, एयरपोर्ट पे ही काम करता है, वो भी आया हुआ है, उसके साथ मुलाकात करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है। यहाँ से फिर अगली मंजिल की तरफ निकलते हैं। अभी तो यार से भी मिलना है यहाँ पे एक, यहाँ से जी कस्टम डिक्लेरेशन करवाई है अपनी, अब बैग क्लेम करेंगे, बैग उठाएंगे, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जाएंगे। ये स्कर्नो आता का इनसाइड है यार, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। जद्दा के एयरपोर्ट पे भी था, लेकिन जद्दा से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है स्कर्नो आता। बहुत मेंटेनेंस और मतलब काफ़ी मेंटेन है ये, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जो है ना अभी एग्जिस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा एयरपोर्ट बनाया गया है। जब आप लोग कस्टम डिक्लेयर करके आते हैं ना, ठीक है, ये ATM लगे हैं यहाँ से, आप लोग इस साइड पे होंगे तो आपको नज़र आएगा ये चीज़ IMEI, ये इनका दफ्तर बना हुआ है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और फर्स्ट 60 डेज़ में आपको ये करवानी होती है। 60 डेज़ के बाद आप दोबारा जो है ना आके नहीं करवा सकते, इसलिए आप जिस वक्त भी आएँ सबसे पहले यहाँ से अपने जो है ना मोबाइल को रजिस्टर करवाएँ। अभी मैं गया हूँ, कोई रश नहीं थी, विद इन 5 मिनट जो है ना मेरा वो मोबाइल रजिस्टर्ड हो गया यहाँ पर। था बाकी किसी को मैंने नहीं बताया हुआ था कि मैंने आना है इंडोनेशिया, सबको मैंने बताया था मैंने 12 तारीख को आना है। जस्ट एक बॉय थी मेरा दोस्त था, तो आता में जो है ना काम करता है फ्लाइट शेड्यूल में, उसे सिर्फ मालूम था, वो ही आया हुआ था। अभी सारा कुछ मेरा तो मैक्सिमम अंदर इमिग्रेशन में, कस्टम में और IMEI रजिस्टर करवाने में 15 से 20 मिनट टोटल लगे होंगे। तो उस पर अभी बाहर आए हैं, काफ़ी भी है ये जी भाई साहब जा रहे हैं बस टर्मिनल की साइड पे, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं हुआ था अपने दोस्त के अलावा, और ये होता है जकार्ता में, तो इसलिए यहाँ से मैं बस लेके निकलूँगा, सरप्राइज एंट्रियाँ मारूँगा सारी तरफ। तो अब देखते हैं आगे, यहाँ पे आके लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से कैसे और किस तरह जाएँ, लेकिन ईजी, अभी यहाँ से बस का टिकट लेंगे और सीधा निकल जाएंगे। कार्ड नहीं था तो ये यहाँ से मेरा टिकट बाय कर रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ से मैं अब निकलूँगा। तो जी अपने सफ़र का आगाज कर दिया है बर्नुंग के लिए, यहाँ से बर्नुंग जाएंगे, वहाँ पे कुछ रहेंगे 2-4 दिन, फिर आगे का सफ़र।